हाय हाय ऑल सीएमए बडीज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूँ सीएमए रोहन शर्मा, आपका होस्ट। और आज मेरे साथ है ब्रिजपाल, जो हमारे आज गेस्ट है। और ब्रिजपाल आज बेसिकली अपना सीएमए जर्नी हम सबके साथ शेयर करने वाले हैं। ब्रिज ने अभी रिसेंटली सीएमए क्वालिफाई किया और इनका कैंपस सिलेक्शन भी हुआ है आरएसएम में। तो हम सुनते हैं ब्रिज की स्टोरी कैसी रही, उनकी सीएमए जर्नी कैसा रहा, उनका कैंपस जर्नी। सो हाय ब्रिज, हाउ आर यू, कैसे हो आप? सर सब मजे में। सर ग्रेट, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक्स कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो हमारे साथ। नहीं थैंक्स सर, मुझे आपको बोलना था। सर आपने बहुत मतलब एक साथ इतनी गाड़ी की हमको कि स्टार्टिंग में हम लोग जो पास आउट हुए तो हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, कौन सी सीढ़ी करनी है, हमको कुछ पता नहीं था। पर आपने उस टाइम पे गाइड किया तो एक हमको जो वाइबल थे हम लोग स्टेबल स्टेबल पे आ गए बंदे को, भाई कुछ तो नॉलेज आ गया कि भाई हाँ ऐसा टैकल करना है, ये तैयारी करनी है। तो एक आपसे एक्चुअली हमको आपको थैंक्स बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके ग्रेट। सो कैसी रही आपकी कैंपस जर्नी मेरे साथ? तो कैंपस जर्नी बहुत स्टार्ट थी क्योंकि स्टार्टिंग मुझे पता नहीं, जब मैं पास आउट हुआ उसके दो तीन दिन के बाद मेरा एक फ्रेंड से मैं कंफ्यूज था कि करना क्या है, कैंपस सिलेक्शन कैसा होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग तक ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 स्टडी किए हैं तो कुछ पता नहीं था ग्रुप 4 के बाद में क्या करना है। इतना पता कैंपस होता है इतना पता था मुझे। तो एक मेरा दोस्त है, उन्होंने आपका नंबर सजेस्ट किया कि रोहन सर का अच्छा पढ़ाते हैं, उनका आप लेक्चर लीजिए। तो उस टाइम पे मैं आपको फर्स्ट टाइम फोन किया था आई थिंक आफ्टरनून को, तो उस टाइम पे आपसे मेरा बात होता, उस टाइम आप बोले कि हाँ ऐसा सब प्रोग्राम अपना ऐसा हम पढ़ाते हैं, जीडी देते हैं, जो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन रहेगा स्मार्ट वर्किंग वो भी करवा के लेंगे, कैसा टैकल करना है, इंटरव्यू रहेगा मॉक इंटरव्यू। तो मैंने आपके 3 इंटरव्यू भी दिए, वो बहुत बेटर जर्नी था मेरे लिए क्योंकि एक बंदा भी मैं भी कैंपस में था तो मैं भी कंपेयर किया हूँ कि सर कैसा होता, कि मैं जब कंपेयर किया तो कुछ बंदे जो आपके लेक्चर नहीं लेते कि जो प्लेन आए थे, तो बंदे को इंटरव्यू के 2 दिन 3 दिन पहले वो बंदे खुद डाउट में थे कि भैया कितनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, कितना क्या होगा, कितने राउंड होंगे, कब क्या बोलना है, जीडी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। उससे अच्छा हम लोग प्रिपेयर थे कि भाई अपने को ये करना है, ये पूछेंगे तो ये आना चाहिए। और आपके नोट्स भी हमने बहुत अच्छी रीडर के लिए पूरे। ग्रेट। सो मेरे नोट्स भी काफी हेल्पफुल रहे आपके लिए, राइट? हाँ सर, वो AI का अच्छा लगा मुझे आपका, जो आपने लीडिंग भी बताया था मुझे लीडिंग के लिए और ये Naukri.com के लिए, वो तो आपका मुझे बहुत हेल्प किया मुझे वो चीज़। ओके 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 ग्रेट। सो आफ्टर डेट हम बात करते हैं आपके लाइक सीएमए जर्नी के बारे में। कैंपस में तो आपको आरएसएम से ऑफर मिल गया था, और अभी इसके बाद आपने ऑफ कैंपस भी बहुत सारे ऑफर्स पे ऑफर्स सिक्योर कर रहे हो, बट हम उस चीज को भी इतना डीपली नहीं डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं आपके सीएमए जर्नी के बारे में। तो आपने सीएमए जर्नी कैसे स्टार्ट की, लाइक आपको कैसे पता चला सीएमए कोर्स के बारे में? बेसिकली CMA का मुझे कुछ पता नहीं था कि CMA क्या होता है, क्योंकि बीकॉम के बाद में बीकॉम करते सेकेंड ईयर में मेरी मैम थी एक देशमुख मैम, यहाँ पुणे में पढ़ाती हूँ कॉमर्स के बच्चों को। तो उस टाइम पे हम लोग चिल, हमारा चिल लाइफ थी कि भाई सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, 2 घंटे लेक्चर करना है, चिल रहना है। तो कुछ फ्यूचर सुना, जब सेकेंड ईयर में आए तो प्रेशर होने के भाई कुछ तो करना है, जब थर्ड ईयर तो और प्रेशर होने के क्या करना है। तो टीचर ने मतलब हमारा मतलब देखा उन्होंने कि अकाउंटिंग, मेरा अकाउंटिंग बेस्ट था और मेरा अकाउंटिंग और टैक्सेशन में अच्छा था उस टाइम पे भी, और थोड़ा भी मेरे उन्होंने जब प्रैक्टिस थी मेरी तो मेरा अच्छे मार्क्स 92 मार्क्स 98 थे उस टाइम पे भी। तो मैम ने सजेस्ट किया कि आप क्या करो, हमारा ग्रुप था 15 लोग का, बॉयज और गर्ल्स का हमारे ग्रुप का। तो उस टाइम में मैम ने सजेस्ट किया कि आप CMA कर लो। तो हम बोले CMA क्या होता है, तो उन्होंने गाइड किया। एक्चुअली वो फाइनलिस्ट थी मैम मेरी, मुझे अब पता चला है 1 महीने पहले। तो वो उन्होंने गाइड किया कि आप CMA कर लो, तो हमें नॉलेज नहीं था। तो हम उसके नॉलेज लेने के लिए हम लोग गए पर्वतीय पुणे चैप्टर में गए, तो वहां पे हमको क्लियर किया गया कि ये स्टेप होगा, ऐसा पास आउट होगा, ऐसा क्राइटेरिया रहेगा, ऐसा सब्जेक्ट रहेंगे। तो हमको कुछ नहीं पता था, तो फर्स्ट टाइम मुझे यह समझा कि CMA होता है ऐसा है। तो हाँ मुझे एक नॉलेज मिल गया, CMA की तरफ मैं डाइवर्ट हो गया, नहीं तो मेरा कुछ प्लान नहीं था मैं क्या करूंगा। मुझे लगा था MBA कर लूंगा कहीं से, वहां अपनी गाड़ी चलेगी झपक झपक। कोई बात नहीं। तो अच्छा, सीएमए में अटेम्प्ट्स भी लगे थे आपके या फिर लाइक वन शॉट था ऐसा कुछ? नहीं, सर मेरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मैंने कोचिंग की थी, तो मेरा ग्रुप 1 ग्रुप 2 निकल गया आराम से, कुछ इतना इश्यू नहीं आया मुझे। ग्रुप 2 का मुझे बेटर भी गया, ग्रुप 1 मेरा हाई स्कोरिंग भी ग्रुप 1 में इंटर में ही था। उसके बाद में ग्रुप 3 का मुझे एक अटेम्प्ट लग गया, क्योंकि थोड़ा मुझे थोड़ा फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड, मुझे थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए था, थोड़ा कुछ इश्यू हो गया। तो मुझे उस टाइम पे मेरे बराबर एग्जाम के 1 महीने पहले मुझे थोड़ा फाइनेंशियल और फैमिली इश्यू फेस करना पड़ा। तो एक बात समझ आई कि मैं पेपर में वाइबल हो गया, तो एक ऑनलाइन अटेम्प्ट भी था वो मैं हैंडल नहीं कर पाया उस टाइम, मुझे एक अटेम्प्ट लग गया। उसके बाद में मैं फेल हो गया, बाद में मैं सोचा कि अब तो दुनिया आ रही तो पार, अभी निकाल के रहूंगा इसको। तो मुझे उस टाइम पे इंकम टैक्स मुझे कम लगा था, तो इंकम टैक्स में बाद में मैं ग्रुप 3 क्लियर किया दिसंबर अटेम्प्ट में, वो भी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, 236 में मेरा क्लियर कर गया था।
ओके वो उस टाइम में ओके मैं सोच के रखा था दुनिया इधर उधर जाके अपना माइंड स्टेबल रहेगा, मुझे ये करना है यही करना है, इसके आगे कुछ नहीं जिंदगी में, तो मुझे वही चीज होगी तुरंत। ग्रेट। सो आफ्टर इट, अच्छा आपको ओके क्या, बोलो बोलो आप। ग्रुप 4 मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ सर, सिर्फ ग्रुप 3 का अटेम्प्ट लग गया वो भी। अच्छा ग्रुप 3 में बस आपके एक अटेम्प्ट लगे, बाकी आपका इंटर फाइनल, बाकी सारे ग्रुप्स फर्स्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। अटेम्प्ट ओके ओके सो में आफ्टर इट, अच्छा आप कैंपस में, आपके पास जैसे कितनी शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे आई थी? सर मेरे पास शॉर्टलिस्टिंग 3 ही आई थी, 3 ही आई थी मेरे पास, और एक बाद में आया था तो लास्ट मोमेंट में काउंट करूंगा तो भी आ जाएगा, तो 4 पकड़ के चलता हूँ मैं। प्रिपेयरिंग के लिए मैं सिर्फ 3 ही कंपनी का इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ था मैं। ओके ओके एंड आपका सिलेक्शन फिर आरएसएम में, अच्छा आरएसएम में जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो जो जिस तरीके से मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया था, जीडी हमने किया, पीआई राउंड हमने किया, तो वो सारी चीज़ें आपको आरएसएम के इंटरव्यू में बहुत हेल्प एंड सपोर्ट की थी। हाँ ये सर मुझे सपोर्ट, पहले आरएसएम में क्या हो गया था कि उन्होंने जो क्वेश्चन लिया था ना, मतलब आपने बताया था, आपको मैं कॉल भी किया था आरएसएम के लिए कि कंपनी क्या लेगी कंसल्टिंग में, तो आपने मुझे क्या किया था कि भाई कंपनी कंसल्टिंग है तो भाई जो तुम्हारा कोर है तुम करके जाओ। तो मेरा कोर था, मेरा जीएसटी और अकाउंटिंग मेरा कोर था, फाइनेंस का कोर था, कॉस्टिंग का मेरा थोड़ा लेना रहता था कि मैं इंटर्नशिप मेरे कॉस्टिंग में की नहीं थी, तो मेरा वो बोला कि भाई कॉस्टिंग में पूरा आपका बुक था पूरा, मैं पूरा 200 पेज पूरा रीड कर लिया था 2 वीक में बैठ के रोज, चार चार पांच घंटा क्लियर कर लिया था। उसके बाद में आपका मेरा बात हुआ कि भाई आरएसएम में करना है तो कंसल्टिंग फर्म में तुम्हारा कोर क्या है तुम वो कर लो, तो मैं कोर करेगा मैं जीएसटी में जाना है फाइनेंस में आना है, तो मैंने फिर से जीएसटी का पूरा आपका जो नोट्स था और मेरे जो सीडब्ल्यू के नोट्स थे वो पूरे रीड आउट कर लिए थे और अकाउंटिंग का कर लिया था, तो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया बंदा भी मतलब वो उसका नॉलेज का था कि भाई तू कुछ भी कर, मैं जो डीप आंसर पूछूंगा जो आंसर पूछे तुझे डीप में जाके दे, तो वो बंदा खेलता गया, मतलब उसने पहले क्या किया शेड्यूल 3 लिया, फिर अंदर आइटम में गया, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, लास्ट तक एक पॉइंट आ गया कि भाई मेरा बात सर इसके आगे मैं नहीं दौड़ पाऊंगा तो बोला नहीं बोला, वो बोला हमें से इतना एक्सपेक्ट था कि आप 50-60% कवर कर लो, बाद में आप लोग हम लोग ब्रशअप करके आपको रेडी कर देंगे, तो कंपनी का वो मेन था, तो कंपनी ने जिसने मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया वो सर भी नाम याद नहीं, तो वो सर बहुत कॉपरेटिव थे, मतलब नॉलेज उन्होंने बंदे पहचान, मतलब उनको पता क्या, मुझे पूछे मेरा कोर क्या है, मैं बोला सर मेरा ये कोर है, तो फिर उन्होंने विदाउट कोर पूछा मुझे कॉस्टिंग का पूछा कहाँ तक तुम्हें आता है, कंपनी के पास कभी कॉस्ट भी आ जाता है कभी कभी करने के लिए इंटरनल, तो उसका पूछा तो मैंने दे दिया, तो लास्ट में पूछा आपका कोर क्या कोर बताओ, तो मैं कोर में उन्होंने उतना डीप गया डीप गया डीप भी हम लोग खेलते चले गए, लास्ट में बोला ओके ठीक है आपका ओके है आप 1 राउंड के लिए रुक जाइए 4 राउंड के लिए, तो 1/4 राउंड हुआ, फिर 1 पौने 1 राउंड हुआ मेरा, 3 राउंड मेरा हो गया, तो ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा जो मेरे नोट्स थे वो आपको बहुत अच्छे लगे, लाइक सिंपल सा था, इजी टू रीड था, इजी टू रिमेम्बर था, कैसा था आपके लिए? सर कॉस्टिंग का तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें, हाँ कॉस्टिंग का कुछ इशू नहीं, कॉस्टिंग में क्या था आपका नोट्स का कि समझ लीजिए अभी अभी स्टार्ट किया मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग स्टार्ट किया, अभी ये सन कॉस्ट का बहुत पूछा गया था मुझे आपका जो उसमें था ना सन कॉस्ट का, ये बाकी जो कॉस्टिंग था कॉस्ट यूनिट पर क्या होता है, फिर ऑब्जेक्शन और क्या है, आपने क्या किया पूरा एक एक बोलते हैं मतलब ग्रुप वाइज बोलते हैं ना कि खेड़ ग्रुप कॉस्टिंग रख दिया, उसके नीचे फिर कॉस्ट, फिर मैनेजमेंट कॉस्टिंग कॉस्टिंग, फिर उसके अंदर जो अंदर पढ़ते हैं ना ऑब्जेक्शन कॉस्टिंग फिर अंदर कॉस्टिंग, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंटरव्यू ऐसे में से पूछता है, वो बोले क्या पूछेगा तुम्हारा मेजर हेड पूछ लेगा कि भाई कॉस्ट शीट बता, कॉस्ट शीट तुमने बता दिया तो बोलेगा भाई ये बता, फिर उसके अंदर वो बता, तो आपका जो लिस्ट था ना था मुझे वो अच्छा लगा उसमें कि जो आपने सीक्वेंस लगा पढ़ने का अच्छा लगा मुझे कॉस्टिंग का, मैं 2-3 बार पढ़ चुका था वो नोटबुक आपकी। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने थोड़े से इंटर्नशिप जर्नी के बारे में आप बताओ कि लाइक आपने इंटर्नशिप कितने टाइम के लिए आपने किया था, और इंटर्नशिप आपको किस तरीके से काफ़ी हेल्प एंड सपोर्ट किया? सर इंटर्नशिप मैंने की थी यहाँ पुणे से की थी, मेरे माड़िक सर हैं प्रवीण माड़िक, सीएम प्रवीण माड़िक, उनके यहाँ से की थी मैंने, 1 मंथ की मैंने आर्टिकलशिप की थी, उसके बाद में थोड़ा मेरा फैमिली इशू आ गया तो मैं उसको लेट करके मेरा फैमिली का फिर मैंने स्टडी का देखा मैंने, पर वो फॉर्म बहुत अच्छी थी मुझे लगी कि फॉर्म पर मुझे वैरायटी ऑफ काम सीखने को मिला, क्योंकि फॉर्म में हमारे सर के फॉर्म भी स्टार्टिंग कुछ हुए थे उनके, उनके क्लाइंट अच्छे थे मोस्ट ऑफ द आईटी और सब मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट थे, तो मुझे जीएसटी में बहुत अच्छा हाथ मिल गया उनसे, क्योंकि जिससे मुझे इतना कुछ था नहीं सर, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़े थे इंटर में और बाद में जब मुझे प्रैक्टिकल मिला तो मुझे पूरा वो ग्रुप 2 में जीएसटी था, और जैसे मेरा फ्रेश नॉलेज था वो बराबर उन्होंने लाख इसी के ऊपर रख दिया, तो वो सीखने को अच्छा लगा मुझे, तो जीएसटी कैसे रिकन्सिलेशन कैसा होगा क्या होगा वो सब एक चीज सीखने को मिल गया, तो मेरा जीएसटी वहाँ स्ट्रांग हो गया, अकाउंटिंग स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो सर के पास कॉस्टिंग का नहीं था इतना और गेम, पर उसमें मेरा स्ट्रांग हो गया, ओके ये ग्रेट बेस्ट हो गया वहाँ पे, ग्रेट, थैंक्स और ब्रिज थोड़ा बहुत फॉर। नॉलेज मिलेगा कि कंपनी में कैसे हेल्प करेंगे। ओके ग्रेट,
सो थैंक्स कि आपने अपनी सारी स्टोरी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और बच्चे इससे बहुत इंस्पायर और मोटिवेट भी हो, और फ्यूचर के लिए आपके ऑल दी बेस्ट, और भी अचीवमेंट्स लेते रहो, कनेक्टेड रहो मेरे से, जब भी कभी कुछ लगता है मैसेज कर सर सकते हो। अपना तो रात के 12 बजे तक बात हुई सर तो अच्छा, मेरे जब कभी कभी टेंशन कभी ऐसा लगा मेरे में साथ कि था। लाइक कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बिहेव कर रहा हूँ, या हमेशा मैं आपको ऐसा लगा कि आप बिल्कुल अपने भाई जैसे सर हैं, एकदम हमेशा कोऑपरेट करते रहते हैं? सर एक बात बोलूँ कि मैं लास्ट से बोलता हूँ, बहुत अच्छी टीम बोलता हूँ। दोस्त किसे कहते हैं बता क्या? दोस्त, मेंटोर या गाइडेंस टीचर। कि जब तुम्हें एंजाइटी में हो, जब तुम किसी प्रॉब्लम में हो कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब बंदे को फोन लगाओ और बंदा फोन उठा ले तो उससे बड़ा गुरु कोई नहीं उस टाइम पे। कि वही आदमी का वही घड़ी में होती है, अगर उस टाइम पे फोन ना उठाए तो बंदा पता नहीं क्या करता है। तो आप जब मुझे, आपको पता रहेगा एलेक्शन के टाइम पे, एक जो अभी आप इंटरव्यू हो मेरा, जहाँ मैं सिलेक्शन हो चुका है वहां पे भी आपको कॉल किया मैं। एक बार मैंने शायद आपको रात में भी कॉल किया था 11-12 बजे, थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो आपने कॉल उठाया तो मुझे गाइडेंस मिली कि भाई मुझे ये करना है, सर ने बताया है, सर का ये बताया, यही करना है। मुझे बहुत हेल्पफुल होगा कि भाई कि ये बंदा, मतलब आप कि कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ नीचे ऊपर हुआ, कुछ लाइफ में ऐसा लगे गाइडेंस की जरूरत है, कुछ करना है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, अनबैलेंस हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस टाइम पर आपने मेरा फोन उठाया है, और फिर 3-4 बार उठाया रात की 10 बजे 11 बजे। सर ओके, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे सर, क्योंकि ये चीज कोई करता नहीं है। क्योंकि बहुत लोग क्लास लेके पे में पे कर दो, फिर कर दो, उसके बाद में फोन लगा दो, उनका फोन रिसीवेबल नहीं है, वही वीडियो कॉलिंग में क्या मजा उसमें। बंदे को कब जरूरत है तब फोन उठाए, बंदा तो आदमी भाई बोलता है कि भाई पीछे कोई तो खड़ा है मेरे। ये तो बात है। नहीं, यही क्वालिटी है जिसके लिए मतलब हर एक स्टूडेंट मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं कि सर आप बहुत हमें सपोर्ट करते हो। सो थैंक्स ब्रिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक बाय बाय, टेक केयर। यू सर।